अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख। और पिछले साल मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया था कि MIUI 10 से कैसे आप लोग ऐड को हटा सकते हैं और ऐड फ्री UI बना सकते हैं। हालांकि दोस्तों वो वीडियो तो बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसा कह भी रहे हैं कि फिर भी हमारी जो ऐड है वो आ रही है। तो ये मैं 2019 का एडिशन बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने मुझे कहा था कि एक वीडियो बना दो 2019 में कि किस तरह से MIUI 10 से सारे ऐड हम लोग हटा सकते हैं। और ख़ास करके जो ये Redmi Note 7 Pro लॉन्च हुआ है दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन लाजवाब फ़ोन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऐड होने की वजह से काफ़ी सारे लोगों को परेशानी हो रही है। और आजकल तो फुल स्क्रीन एड्स, फुल स्क्रीन वीडियो एड्स, हर तरह की एड्स आती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पूरे के पूरे Redmi Note 7 Pro से, या फिर अगर आपके पास कोई भी Xiaomi का फ़ोन है जिसमें MIUI 10 है, तो आप MIUI 10 से कैसे पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट्स को हटा सकते हैं और आप अपने MIUI 10 को बिल्कुल ही एड फ्री UI बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने हाथों में अपने अपने फ़ोन को पकड़ लीजिए और उसके बाद बिल्कुल ही रेडी हो जाइए। जो जो मैं स्टेप बताऊँगा बिल्कुल मेरे साथ वो सारे के सारे स्टेप कीजिए और उसके बाद आपका जो फ़ोन है बिल्कुल ही एड फ्री UI बन जाएगा। तो देर की इस बात की चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, तो आपको अपने ऐप वर्ल्ड में जाना है और नीचे कस्टमाइज़ में जाना है। कस्टमाइज़ में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे रिकमेंडेशन का टैब, तो ये जो रिकमेंडेड का टैब है आप इसे हटा सकते हैं। तो ये रेड कलर का बटन पे टैप करना है और ये जो रिकमेंडेड का टैब है वहाँ से हट जाएगा। अगर आपको इसमें कोई और भी टैब ऐसा लगता है जो कि ऐड हो, तो आप उसे भी हटा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये सिक्योरिटी का टैब आपको अगर ऐड लगता है, या फिर यूटिलिटीज़ का टैब अगर आपको ऐड लगता है, तो कस्टमाइज़ में जाना है और फिर से दोस्तों उसी वाले रेड वाले पे टैप कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओला का टैब हटा, मुझे जरूरत नहीं है। तो ये जो है एक तरह से यहां पे आप जो है ऐड को हटा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज हमें क्या करना है, तो अलग अलग एप्लीकेशंस खोलना है और उनमें जाकर के रिकमेंडेशंस को ऑफ करना है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम ऐसे ऐप्स हैं जिसमें रिकमेंडेशन मिलते हैं। जैसे कि आपको गैलरी में रिकमेंडेशन नहीं मिलता है, यानी कि गैलरी में कोई भी ऐड नहीं है, तो गैलरी से आपको ऐड ऑफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें नहीं है। लेकिन दोस्तों थीम ऐप में हमें ऐड मिल जाता है, तो हमें थीम से ऐड हटाने के लिए सबसे नीचे पर्सनल में जाना है, उसके बाद सेटिंग्स में जाना है और यहाँ से रिकमेंडेशंस को ऑफ कर देना है। वैसे आप पर्सनलाइज्ड वॉलपेपर सेक्शन को ऑन ही रखिए, वो ज़्यादा बेहतरीन है, उसमें ऐड नहीं आते हैं, उससे दोस्तों बस आपका वॉलपेपर पर्सनलाइज होता है। तो रिकमेंडेशन ऑफ करने के बाद भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ऐड आ रहा है, तो आप एक बार जो है रिसेंट बार में क्लियर कर दीजिए थीम ऐप को और दोबारा खोलिएगा, तो आप देखिए कि बिल्कुल भी ऐड गायब हो जाएगा और उसके बाद कोई भी ऐड नहीं आएगा। ये दोस्तों सुपर हीरो वाला ऐड नहीं है, ये बता रहा है कि आप जो है सुपर हीरो वाले थीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो ऐड नहीं थी, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको सिक्योरिटी ऐप में जाना है और यहाँ पे बहुत सारे जगहों से रिकमेंडेशन ऑफ करना है। सबसे पहले सेटिंग में जाना है, उसके बाद सबसे नीचे जाना है और रिसीव रिकमेंडेशन को ऑफ कर देना है, फिर क्लीनर में जाना है, फिर नीचे आपको रिसीव रिकमेंडेशन को ऑफ कर देना है, फिर बूस्ट स्पीड में जाना है और रिसीव रिकमेंडेशन को ऑफ कर देना है। और उसके बाद दोस्तों अलग अलग सेक्शन में चेक कर लीजिए कि आपका रिसीव रिकमेंडेशन तो ऑन नहीं है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि सिक्योरिटी एप्लीकेशन से सारा का सारा जो ऐड है वो खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सिक्योरिटी एप्लीकेशन में हम लोग क्लीनर में जाकर के कुछ भी क्लीन करते थे तो वहाँ पे ऐड आता था। अब अगर हमने जो है क्लीनर में जाकर के कुछ भी क्लीन किया दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब किसी भी तरह का कोई भी ऐड यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग इसी तरह से अलग अलग ऐप में चेक करेंगे कि किसमें जो है ऐड मिल जाता है। तो MIUI ऐप स्टोर में किसी भी तरह का ऐड नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो तो ऐप स्टोर ही है जिसमें पूरे के पूरे ऐप्स ही आते हैं, तो इसमें Xiaomi को किसी भी तरह का ऐड देने का ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए इसमें जो है रिसीव रिकमेंडेशन ऑफ करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो MIUI ऐप स्टोर में जो है आप बिल्कुल ही चिंता मत लीजिए, इसमें ऐड नहीं है। उसके बाद दोस्तों टूल्स फोल्डर में जाएंगे तो कॉन्टैक्ट्स में हमें किसी भी तरह के ऐड नहीं मिलते हैं। कैलकुलेटर में भी दोस्तों आपको जो है किसी भी तरह के ऐड नहीं मिलते हैं। क्लॉक में भी ऐड नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं है। यहाँ पे FM रेडियो में या फिर दोस्तों रिकॉर्डर में भी कोई भी ऐड नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डर में भी ऐड नहीं है। और उसके बाद दोस्तों आप और भी ऐप्स देखेंगे तो उनमें भी ऐड नहीं है, जैसे कि स्कैनर में ऐड नहीं है, फीडबैक में ऐड नहीं है, लेकिन डाउनलोड्स में ऐड है। तो आपको जाना है डाउनलोड्स में, सेटिंग्स में और उसके बाद शो रिकमेंडेड कॉन्टेंट को जो है ऑफ कर देना है। तो उसके बाद डाउनलोड से भी ऐड जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कंपास में किसी भी तरह का ऐड नहीं है और सिम टूलकिट तो आपका सिम का ऑप्शन है जिसमें किसी भी तरह का जो है ऐड नहीं है। तो टूल्स फोल्डर में सिर्फ एक ही चीज़ है जिसमें ऐड है, वो है दोस्तों डाउनलोड्स। तो आप जो है डाउनलोड से बस जाकर के ऑफ कर दीजिए। उसका डायलर में, मैसेजिंग में कोई भी ऐड नहीं है। ब्राउजर में ऐड है दोस्तों, ब्राउजर में ऐसा ऐड है कि ब्राउजर आपको पुश नोटिफिकेशन भेजता है। तो आपको सेटिंग्स में जाना होगा और उसके बाद दोस्तों यहां पे चेक कर लीजिए कि ये सारे ऑप्शंस तो ठीक है, लेकिन यहां पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में दोस्तों सबसे नीचे आपको मिल जाता है रिकमेंडेड फॉर यू का ऑप्शन, तो आप उसे ऑफ कर दीजिए। और उसके बाद जो नोटिफिकेशन है वो ब्राउजर भेजना बंद कर देगा, जो भी एड्स के नोटिफिकेशन थे। तो ये काफी बेहतरीन चीज है। लेकिन दोस्तों ब्राउजर में जो भी न्यूज मिल जाते हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे,
क्योंकि दोस्तों शाओमी उन्हें एड्स नहीं कहता, वो कहता है कि वो हमारा कंटेंट है, चाहे वो वीडियो देखना हो गया या फिर दोस्तों कुछ भी ऐसा देखना हो गया, तो उसके लिए दोस्तों ये है। तो इसे आप ऑफ नहीं कर सकते हैं, अगर इसे ऑफ करना है तो क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों कैमरा में किसी भी तरह का ऐड नहीं है, तो इसमें रिकमेंडेशन सेक्शन नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेदर में भी किसी भी तरह का ऐड नहीं है, इसलिए इसे भी ऑफ करने की जरूरत नहीं है। कैलेंडर में दोस्तों आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, तो कैलेंडर में भी किसी भी तरह का एड्स नहीं है, लेकिन कुछ फीचर्स है जो कि आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं, जो कि जरूरत की चीजें नहीं है। तो जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे कैलेंडर में नीचे हमें जो है पहचान कैलेंडर मिल जाता है, व्हाट्सएप स्टेटस मिल जाता है, यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आप उसे ऑफ कर दीजिए तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। जैसे कि दोस्तों मैंने पंचांग कैलेंडर, डेली व्हाट्सएप स्टेटस और हेल्थ एंड फिटनेस ये सब ऑफ कर दिया, जो कि मुझे जरूरत नहीं है। जो मुझे जरूरत है दोस्तों नॉलेज के लिए, वो मैंने यहाँ पे ऑन रखा है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। फाइल मैनेजर में हमें एड्स मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, तो जाना है यहाँ पे फाइल मैनेजर के सेटिंग्स में, और उसके बाद जाना है अबाउट में, और अबाउट में जाने के बाद आपको रिकमेंडेशन को ऑफ कर देना है, तो फिर फाइल मैनेजर से भी ऐड खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो जाना है म्यूजिक में, और एम आई ड्रॉप में भी ऐड नहीं है दोस्तों। ऐसे अगर आपको आता है तो इसका भी देख लीजिए कि कहीं रिकमेंडेशन में ऑन तो नहीं है, लेकिन एम आई ड्रॉप में भी किसी भी तरह का ऐड नहीं है। तो बहुत ही कम ऐप्स है जिसमें ऐड है, लेकिन हमें लगता है कि एम आई वाई में बहुत ही ज़्यादा ऐड है। तो शाओमी ने काफ़ी हद तक जो है ऐड को सही करने की कोशिश की है। अब एम आई ड्रॉप के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, तो जाना है म्यूजिक में, और म्यूजिक में भी हमें ऐड मिल जाता है। तो म्यूजिक के सेटिंग्स में जाने के बाद हमें इसमें भी रिसीव रिकमेंडेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसे हमें जो है यहाँ पर ऑफ करना होगा। तो यहाँ पे जाइए दोस्तों म्यूजिक एडवांस सेटिंग्स में, सबसे नीचे आता है रिसीव रिकमेंडेशन, इसे ऑफ कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों शायद अब कोई और ऐप नहीं बचा जिसमें हमें ऐड मिलता हो, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे ऐप से हमने रिकमेंडेशन ऑफ कर दिया। हाँ, एक एम आई वीडियो प्लेयर है जिसमें आपको ऐड मिल सकता है, तो आप इसमें सेटिंग्स में जाकर के पुश नोटिफिकेशन और ऐड दोनों ही ऑफ कर दीजिए दोस्तों। तो रिकमेंडेशन और ऐड्स दोनों ही ऑफ कर दीजिए, क्योंकि एम आई वीडियो प्लेयर भी आपको जो है भेजते रहता है ऐड्स की नोटिफिकेशन। बाकी दोस्तों नोट्स में किसी भी तरह का ऐड नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं है। और यहाँ भी हमें जाना होगा सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों सबसे नीचे अगर आप जाएंगे तो कुछ लोगों को सिस्टम ऐप्स इंस्टॉल ऐप्स में जो है ऐड आते हैं, तो इंस्टॉल ऐप्स में जाने के बाद कॉर्नर पे टैप करना है, सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पे रिकमेंडेशन को ऑफ कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो शाओमी है उसके सारे के सारे एड्स हमने अभी ऑफ कर दिए हैं। जितने भी एड्स आते हैं अब तक हमें किसी भी ऐप में, वो सब कुछ हमने ऐप ऑफ कर दिए हैं, और अब आपको जो है किसी भी तरह का ऐड नहीं आना चाहिए। एक और चीज़ दोस्तों हमें ये करना है कि किसी भी फोल्डर पर टैप करना है, फिर उसके नाम पर टैप करना है, और फिर प्रमोटेड ऐप्स पर टैप करके इसे ऑफ कर देना है। इससे हमारा जो फोल्डर के अंदर ऐड आता है वो भी ऐड खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंस सुथर भाई ने मुझे याद दिलाया कि ऐप इंस्टॉल करने के बाद भी ऐड आता है, तो उस ऐड को कैसे हटाना है वो मैं अब बताने वाला हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को री अपलोड किया हूँ। आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले आपको किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो मान लीजिए ये वाला एप्लीकेशन है, इसमें हम लोग जाकर के इंस्टॉल पे टैप करेंगे और ये जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और इंस्टॉल होने के तुरंत बाद ही आप देखेंगे कि इसमें जो है आपको नजर आएगा एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों पेपल का एडवर्टाइजमेंट आ गया। तो आपको क्या करना है, तो इसे जो है डन पे टैप नहीं करना है, ओपन पे या डुअल एप्स पे टैप नहीं करना है, आपको यहाँ सेटिंग्स पे टैप करना है। तो आप यहाँ सेटिंग्स के बटन पे टैप करेंगे और यहाँ पे रिसीव रिकमेंडेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसे ऑफ कर दीजिए। इसे ऑफ करने के बाद आपको किसी भी तरह का जो है रिकमेंडेशन अब नहीं आएगा, और कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद जो है आपको किसी भी तरह का ऐड नहीं आएगा। और दोस्तों एक और जगह है जहाँ पे ऐड्स आते हैं, वो है ऐप लॉक। ऐप लॉक में कभी कभी ऐड्स आ सकते हैं, तो आपको जाना होगा सेटिंग्स में, नीचे जाना होगा दोस्तों ऐप लॉक में, और ऐप लॉक में जाने के बाद दोस्तों आपको अपना पासवर्ड वगैरह जो भी है दे देना है या फिंगरप्रिंट, और फिर आपको यहां जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहां पर रिसीव रिकमेंडेशंस मिल जाता है, आपको इसे ऑफ कर देना है। तो फिर आपके ऐप लॉक से भी ऐड आना बंद हो जाएगा। ऐप लॉक से बेसिकली तब ऐड आता है जब आप जो है अपना गैलरी वगैरह खोलते हो, यानी कि जैसे ही दोस्तों आप अपना कोई ऐप खोलते हो जिसमें ऐप लॉक लगा हुआ हो, तो यहाँ पे बीच में कभी कभी ऐड आ जाता है, तो वो भी हट जाएगा रिसीव रिकमेंडेशन ऑफ करने के बाद। अब दोस्तों एक जगह सजेशन है जो कि ऐड नहीं है, वो है दोस्तों इस सेटिंग्स में अगर मोर में जाएंगे होम स्क्रीन का, तो होम स्क्रीन का जो सेटिंग में नीचे सजेशन आता है वो है दोस्तों रीसेंट बार के टॉप में क्लीनर वगैरह का सजेशन। तो ये कोई ऐड नहीं है दोस्तों, लेकिन हो सकता है कि शाओमी फ्यूचर में इस सजेशन को ऐड कर दे, तो इसलिए दोस्तों अगर ये ऐड बन जाती है तो आप वहां से जाकर के होम स्क्रीन के सजेशन को भी ऑफ कर दीजिए, ताकि होम स्क्रीन पे या रीसेंट बार में कोई भी जो है आपको ऐड देखने को ना मिले। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपके शाओमी के फ़ोन में MIUI 10 में किसी भी सेक्शन में आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। एक भी ऐड नहीं आएगा, एक भी पुश नोटिफिकेशन नहीं आएगा, एक भी दोस्तों ऐसा चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि एडवर्टीजमेंट हो। तो दोस्तों अगर इसके बाद भी अगर आपको ऐड आता है कहीं पर भी, तो ये समझ लीजिए कि वो जो ऐड है वो शाओमी की तरफ से नहीं है, वो ऐड आ रहा है किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अगर इतना करने के बाद कहीं भी अगर आपको ऐड आता है, चाहे वो फुल स्क्रीन ऐड हो, चाहे वो दोस्तों
छोटा सा वीडियो ऐड हो या फिर दोस्तों यू वो मान लीजिए कोई भी किसी भी तरह का ऐड हो, नोटिफिकेशन हो, तो वो जो ऐड है दोस्तों ऐसा होगा कि वो Xiaomi की तरफ से नहीं होगा, वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ से होगा। और अगर वो किसी Xiaomi के ब्राउज़र की तरफ से भी आता है ऐड, तो उसमें भी दोस्तों वो किसी वेबसाइट के पास से होगा जो कि दोस्तों थर्ड पार्टी वेबसाइट होगा, ना कि दोस्तों आपके Xiaomi की तरफ से होगा। तो वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि वो भी आप कैसे बंद कर सकते हैं। वैसे मैंने एक बहुत ही बड़ा कमेंट पढ़ा था बहुत ही महान व्यक्ति की तरफ से, वो कह रहे थे कि MIUI में जब चलाता हूँ तो YouTube में ढेर सारे ऐड्स आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसके बारे में क्या कहूँ, देखो भाई ये जो YouTube में ऐड्स आते हैं वो YouTube के ऐड्स है, Google के ऐड्स है, उसका MIUI से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आप ऐड को स्किप भी कर सकते हो, तो इससे ये नहीं पता चलता कि MIUI में ज़्यादा ऐड्स है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा ऐड्स आते हैं। तो मेरा द टेक्स्ट और शाहरुख चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें मैं आपको हमेशा बहुत सारे जो है आपको देता रहूँगा टिप्स कि कैसे ऐड्स को हटाना है। तो नीचे में आप देखेंगे कि YouTube प्रीमियम का ऑप्शन मिल जाएगा, आप YouTube प्रीमियम भी ले सकते हैं अगर आपको YouTube से ऐड्स को हटाना है। तो ये जो चीज़ है दोस्तों YouTube का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर इतना कुछ करने के बावजूद भी आपको ऐड्स आ रहे हैं जो कि नोटिफिकेशन वाले ऐड है, तो वो जो नोटिफिकेशन वाले ऐड होते हैं ब्राउज़र की तरफ से आते हैं। तो आपको अपने MI ब्राउज़र में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, नोटिफिकेशंस में जाना है, और यहाँ पे जाकर के चेक कर लेना है कि कौन कौन से वेबसाइट में ऐड है, और जो जो वेबसाइट होगा दोस्तों आपको बस उन्हें ऑफ कर देना है। तो जिस वेबसाइट से आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए वो बंद कर दीजिए। सेम चीज़ है दोस्तों क्रोम में, आपको क्रोम ब्राउज़र के सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें जाना है, और देखिएगा कि ढेर सारे नोटिफिकेशन ऑन होंगे अलग अलग वेबसाइट्स से। तो जो भी वेबसाइट से ऑन होंगे नोटिफिकेशन वो क्रोम ब्राउजर के थ्रू आपको एड्स भेज सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये जो एड्स है Xiaomi की तरफ से आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो एड्स है क्रोम ब्राउजर की तरफ से आ रहा है। लेकिन दोस्तों ये क्रोम ब्राउजर की तरफ से भी नहीं आ रहा, ये जो एड्स है दोस्तों क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वेबसाइट के थ्रू एड्स भेजने की। जी हाँ दोस्तों, तो आपको MIUI में अगर कोई नोटिफिकेशन ऐड आ रहा है तो वो हो सकता है कि क्रोम ब्राउजर के तरफ से आया हो, लेकिन या हो सकता है वो MI ब्राउजर के तरफ से आया हो लेकिन वो ब्राउजर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो ब्राउजर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दोस्तों रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो वेबसाइट से रिस्पॉन्सिबल है जो कि आपको ऐड भेज रहे हैं। तो प्लीज़ चेक कर लीजिए क्रोम ब्राउजर के नोटिफिकेशन में कि कौन कौन से वेबसाइट से जो कि आपको ऐड भेज रहे हैं, या फिर कौन कौन से वेबसाइट से जो कि आपको नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, और उन्हें प्लीज़ ऑफ कर लीजिए। जो थर्ड पार्टी ऐप्स है दोस्तों वो भी मेजर रोल प्ले करते हैं एड्स को भेजने में। जैसे कि मान लीजिए ट्रू कॉलर एप्लीकेशन, ये जो ट्रू कॉलर एप्लीकेशन है दोस्तों ये आपके बैकग्राउंड में चलते रहता है, और अगर आपका कोई भी कॉल आता है तो ये अपने नोटिफिकेशन दिखाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप उस कॉल को कट करते हैं तो कई बार ये आपको एड्स भेजता है, और वो भी दोस्तों फुल स्क्रीन एड्स भेजता है। तो इससे लोगों को ऐसा फील होता है कि MIUI के डायलर में एड्स है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपने ट्रू कॉलर को इनेबल किया है तो कॉल कटने के बाद ट्रू कॉलर वाला आपको ऐड भेज रहा है। तो इसलिए दोस्तों इन चीजों पे गौर करना जरूरी है कि कौन कौन से ऐप्स हैं जो कि आपको ऐड भेज रहे हैं। और जो भी थर्ड पार्टी ऐप्स आपको ऐड भेज रहे हैं, या तो आप उन एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए, या फिर दोस्तों आप चाहे तो उन एप्लीकेशन को रख करके उनके जो है इंटरनेट कनेक्शन को डिसेबल कर दीजिए। इस तरह के काम आप कर सकते हैं। बाकी के लिए दोस्तों इतना करने के बाद तो आपके फ़ोन से बिल्कुल एड्स ख़त्म ही हो जाएगा, बिल्कुल भी ज़रा सा भी ऐड बचेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पे लाइक्स एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कहीं भी एड्स आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ एड्स देखने को मिला है, और वो एड्स है तो कैसा ऐड है, कौन से सोर्स से आया है, कौन से वेबसाइट से आया है, कौन से एप्लीकेशन के थ्रू आया है, सब कुछ आप ज़रूर मुझे बताइए। शुक्रिया।